आज मैं आपको दिखा रही हूँ ये बनानास, बनानास को हम कैसे स्टोर करते हैं। क्या होता है कि जब हमें अच्छे प्राइस पे मिल रहे होते हैं तो हम समटाइम ज़्यादा एक दर्जन तक ले लेते हैं, सोचते हैं कि चलो इसका कुछ ना कुछ बनाते रहेंगे, और आजकल गर्मी का मौसम है तो जल्दी से पकने भी लग पड़ते हैं। तो फिर प्रॉब्लम आती है कि इसको कैसे रखा जाए, अगर फ्रिज में रखें तो ये काले होने लग पड़ते हैं, तो कैसे रखा जाए ताकि ये स्टोर रह सके। सो मैं यहाँ पर एक आपको ट्रिक बता रही हूँ, ये है या तो पहले आप बनाना उसको ऐसे कट कर लीजिए जैसे मैंने ये काट कर रखे हैं, या तो आप उसी टाइम पे शेक बना लीजिए। वैसे भी शेक भी तो कितने बनाना उसके साथ बनाएंगे, तो इनको मैं स्टोर करके रखूँगी एयरटाइट जार में, तो हम लोग उसमें रख लेंगे। तो उससे क्या होगा, फिर आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि ये बनानास आपके ख़राब भी नहीं होंगे और ये काले भी नहीं पड़ेंगे। तो इस टाइम पे आप इनको फ्रीज़र में रख कर और जब चाहें तो आप इससे शेक बना सकते हैं, जितने बनानास चाहें, वो भी मैं आपको भी दिखाती हूँ मैं कैसे बनाऊँगी शेक। तो दूसरी ट्रिक है ऐसे बनाना, अगर आप पील करके रखना चाहें तो आप पील करके भी, और अगर ना रखना चाहे पील करके तो विदाउट पील किए भी ऐसे आप जिप लॉक बैग में इसे फ्रिज में रख सकते। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू सपना में कासा। तो आज मैं आपको फिर से वो दिखा रही हूँ कि आफ्टर 3 डेज के बाद का शूट है ये मैं कर रही हूँ। तो मैंने उस टाइम पर जब आपको दिखाया उसमें मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे मैंने स्टोर करके रखा है, और ये 3 दिन बाद में ओपन कर रही हूँ क्योंकि हमने शेक नहीं पिया था। तो मैंने स्टोर करके रखा था, ये देख सकते हैं आप ऐसे मैंने एयर टाइट पर। तो ये देखिए ये बनानास का कुछ भी नहीं गया। अब आप सिर्फ ये कर सकते हैं, जैसे मैं अभी शेक बनाऊंगी तो थोड़ी देर में ये अभी तो कितने टाइट हैं क्योंकि जस्ट मैंने अभी ओपन किया। आपको दिखा रही हूँ कि देख लीजिए ये बिल्कुल भी ब्लैक नहीं हुए हैं। तो इस टाइम पर आप ये अगर लाइक मैं ये बनाना शेक बनाना चाहते हैं तो वो ईजिली बना सकते हैं बच्चों के लिए, तो आप ऐसे स्टोर करके इसको रख सकते हैं जैसा मैं अभी बनाऊँगी। और यहाँ पर जो मैंने ये ऐसे मेरे पास जिपलॉक बैग नहीं था तो मैंने किसी भी पॉलीथीन बैग को अच्छे से धो दिया, उसके बाद मैंने इसमें ऐसे बनाना रख दिए। क्योंकि होता ही ऐसा है कि समय हमारे पास बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रीज हुए पड़े फ्रोजन है, लेकिन आप अंदर से देखेंगे ना ये काले हैं ना ये कुछ। और आप एज इट इज़ इसको जस्ट पील करिए और एक बनाना अपोर करिए, एंड अगर दूध रूम टेम्परेचर पे है तब भी आपका मिल्क शेक बहुत ही अच्छा बनेगा, और इसको आप जितनी देर मर्जी तक स्टोर करिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो मैं इसको तो अभी स्टोर करके रख दूँगी, लेकिन मैं इनका बनाऊँगी शेक। 2 गिलास दूध ले लिया है क्योंकि एक का मैं एक बनाऊंगी मैं चॉकलेट के साथ और दूसरा मैं बनाऊंगी वनीला आइसक्रीम के साथ। तो चलिए पहले मैं चॉकलेट के साथ बना देती हूँ जो मेरी एंजल को चाहिए चॉकलेट के साथ। इसको मिक्सी जार को अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है, तो जब भी आप यूज़ करते हैं तो पहले वॉश जरूर कर लीजिए, और एक बनाना के हिसाब से आप इसमें बनानास डाल दीजिए। तो ये फ्रोज़न बनानास हैं, अगर आपने दूध रूम टेम्परेचर पर भी रखा है तब भी ठीक है। और इसमें अब मैं जो है आधा गिलास दूध आपको मैंने दिखाया वही डाल दूँगी इसके अंदर, एंड अब मैं डाल दूँगी इसमें मैंने जो मिल्क है वो रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, और अब मैं इसमें डाल दूँगी चॉकलेट सिरप। जो बच्चों को बहुत पसंद आता है तो आप अभी मीठा मत डालिएगा, पहले आप टेस्ट कर लीजिएगा फिर उसके बाद मीठा डालिएगा, क्योंकि समटाइम ज़्यादा हो जाता है तो बच्चे फिर अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि चॉकलेट सिरप जो होता है उसमें भी ऑलरेडी वो मीठा ही होता है। और अगर आप इसमें चॉकलेट डालना चाहते हैं तो आप चॉकलेट भी डाल सकते हैं, जैसे मेरे पास है ये मिल्की बार। और इस टाइम पर अगर मैं इसको ये एक्चुअली फ्रोज़न है, लाइक मैंने फ्रिज में रखी हुई थी तो ये अभी हार्ड है। अगर आप ये डालना चाहते हैं तो पहले से आप बाहर निकाल कर रखें, रूम टेम्परेचर पर रहने दीजिए, उसके बाद आप इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसको शेक बना देती हूँ। ब्लेंड कर लिया है तो अब मैं थोड़ा सा इसको डेकोरेट किया है अच्छे से, एंड अब मैं अब इसमें शेक पोर कर दूँगी। आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये फ्रोज़न है बिल्कुल, तो अगर चंक्स थोड़े से रह भी जाएं अगर इसके बनानास के तब भी वो बहुत ही यमी एंड टेस्टी लगते हैं। तो आप इसको बच्चों को ऐसे सर्व करके दे सकते हैं। थोड़े से मैं चॉकलेट स्प्रिंकल डाल दूँगी, एंड आई विल सर्व इट विद उनका फेवरेट स्टाइल विद द स्पून। यस, शेक बनाऊँगी तो उसके लिए मैंने बनानास फ्रोज़न बनानास ले लिए, और आधा गिलास दूध वो डाल दूँगी। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ वनीला आइसक्रीम, जो बिल्कुल देख सकते हैं आप फ्रिज से निकाली थी अभी मैंने जस्ट भी डाल दिया। अब मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ।
को ऐसे ही वॉश कर लूँगी जैसा मैंने अपनी वीडियोस में आपको दिखाया है. मैंने शॉर्ट भी क्रिएट किया था कि हाउ टू क्लीन योर जार. बस मेरा तो वही तरीका है, आप भी अपनाइएगा. बस ये मेरे पास शेक हाफ कप और बच गया. और ये है मेरे पास बचे हुए ये फ्रोज़न वाले बनानास. और नेक्स्ट मैं इनके साथ बनाऊंगी पैनकेक. ये जो बनानास पैनकेक वो भी आपके साथ शेयर करूंगी. बस ऐसे ही आप अपने बनानास को सेव करके रख सकते हैं और आप जो मर्जी डिश चाहे वो बना सकते हैं. तो चाहे आप पैनकेक बनाइए, चाहे आप शेक बनाइए, चाहे आप इसमें बनाना केक बनाइए, तो आपके बनानास ख़राब भी नहीं होंगे और आपको टेंशन भी नहीं होगी. तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. सपनास मिकासा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.